अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर। तो आई क्लास फोर जो चैप्टर नंबर फाइव हमें पढ़ना थे आई जो नेम है मेटर एंड इट्स टॉपिक है ना जी। तो मेटर सबनी जो बुद्धल हूं तो मेटर क्या हूं है मादो तो शाके चना वस पर चाहे ना जी एनीथिंग दैट occupy space and have weight तो उनके साथ क्या करना है weight का ही पीछे देखा space पे occupy करे मैं जगह वाला रे आई मैं क्यों शाम जे weight हो जे उनके साथ कोटिंग आता है मेटर ठीक है। आई जो मेटर आए असन जेके भी कायनात में जेके भी शय उठाय मौजूद आने सब जो सब शय फैल है ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मेटर ओके। तो आने जेके भी शय मान मेटर जो फैल है मेटर वाली जो कोई पान फैल है यो स्मॉल पार्टिकल्स जो फैल है जिनके सा चा कोडिंग आयो एटम ठीक है। तो मेटर क्या जो टेल है एटम जो एटम शायद इस्तेमाल पार्टिकल स्ट्रेंथ कहीं भी सबस्टेंस या तो आने चाहो मैंने जो मेटर तक क्लियर थी तो शायद एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस आर ए वेट इज कॉल्ड मेटर एंड मेटर जो ऑल थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स आर मेड ऑफ मेटर एंड मेटर इज मेड अप ऑफ एटम ठीक है। हाँ वे चाहो असो स्टेट स्पेस जो मकसद है तो जिन हालतों में वो मिले तो स्पेस माना हालतों ठीक है। तो असान के चाहूँ सिंपली चाहूँ तो फॉर्म्स जेके आए उन्होंने जा तो जेके मेटर जो स्पेस आए ना असान वो आए टोटल असान जे जेको मेटर मिले तो कायनात में घरन फॉर्म में तो मिले तो एक डी आए उन्होंने में सॉलिड आए ब्यू शेंग आए लिक्विड आई लास्ट वन आए जी। तो पाणे ने के असन जको क्लासिफाई कयो आए या अस डिफरेंट ग्रुप्स में इन शेन के विरायो आए ये शाजे बुनियाद ते विरायो आए एक तो उनन जी स्ट्रक्चर ठीक है एक माना उनन जी स्ट्रक्चर आई बियो अरेंजमेंट ऑफ एटम तो ये के ट्रे फॉर्म आए ये शाजे बुनियाद ते आए अरेंजमेंट ऑफ एटम ठीक है। तो उन में जेका एटम जी बनावट है वो जेके पान में जुड़ेल है वो कड़े नमूने जुड़ेल है उन जे बुनियाद ते असा इन मेटर और शेन के घणन में विरायो है ट्रिन शेन में विरायो है ठीक है। एंड बियो शेप ताने जी शेप की है ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड बियो शेप माना उन जे बुनियाद ते असन के घणन ग्रुप्स में विरायो ते मेटर के घणा जको सो स्टेट साइन मेटर जो ट्रे तो सबो का पहले सॉलिड और सॉलिड में शाइन त जके ई आइन ई ने नेरा ठीक है। आई ही जके क्लोजली पैक्ड एटम ठीक है। तो इन में जके एटम होंदा है वही शाउन है बिल्कुल वेजा बुत्ते लाउना है ठीक है। जिनके असा जिकर जाहिर करण जे तो मिसाल तो रही जाहिर करे जा सका ठीक है। तो इनन में जका स्पेस बिल्कुल भी ना हुंदी है क्लोजली पैक्ड एटम हुंदा है इनन में शा थी है सॉलिड्स में मूवमेंट जका थी है एटम में वो शा जे सूरत में थी है वाइब्रेशन जे सूरत में इनन के प्रॉपर शेप हुंदी है ठीक है। डेफिनेट जे के असन जो डेफिनेट शेप है डेफिनेट वॉल्यूम ओके जिकने काई सॉलिड जी शे आई सॉलिड जी शे इनके डेफिनेट शेप आए ठीक है। जिकने मैं इते रखनम तभी आई ही हुंदी जिकने मैं इनके गोल जेको है कोई भी टब आए उने में रखनम तभी इन जी शेप ही ही हुंदी ठीक है। जिकने मैं इनके ग्रीन काई शे आए कोई कलर ग्रीन वाली कोई शीशे की शेप में रखा तो भी नहीं शेप शेम सेम तो नहीं डेफिनेट शेप आ तो ये शायद सॉलिड है। इन्हें जो वॉल्यूम है वो भी शायद डेफिनेट इन्हें मिकदार है ठीक है।
मिसाल तौर इन के असा जो वेट क्यों तो इनके कुछ वेट हों तो सेम हों ठीक तो इनके प्रॉपर डेफिनेट या वॉल्यूम भी है डेफिनेट शेप भी है बहुत असन में सॉलिड्स में मौजूद है लिक्विड तो लूजली कनेक्टेड इन में एटम्स जो हों छिटा हों ठीक इलाही बिल्कुल एक बे सा क्लोजली न हों थोड़ो परे परे हों ठीक इन में जो है इनकी जो शेप है वह डेफिनेट इनडेफिनेट हों ठीक इनडेफिनेट जो मकसद इनकी कोई शेप मुकर न हों बल्कि बाकी इनके वॉल्यूम जो है वो हों लिक्विड खूँ था वाटर ही खूँ था जैसे असके कोई ग्रीन थाव है उन्हें विझा तो ग्रीन दिखारबो येलो में विझा तो येलो या मिसाल तौर असके कें सर्कुलर कोई गिलास है उन्हें विझा उनकी शेप वी ठीक पर जैसे चौकुंडो गिलास है उन्हें विझादे तो चौकुंडे की शेप वी इनकी पाँगी कोई शेप ना जड़े थाव में विझो जो भी कंटेनर हों जैसे लिक्विड में उनमें विझा तो शेप उनकी वो ठीक नंढो था उन में पानी विझा उनकी शेप वी जो इलाही मोकर है उन्हें विझा तो मकसद जड़ो भी उनको हों कंटेनर हों या कुछ भी हों उनमें जैसे अस लिक्विड के विझा तो उनकी शेप उनकी अख्तियार कह बाकी उनकी वॉल्यूम मुकर है मिसाल तौर 5 लीटर पानी है हाँ मैं नंढे थाव में विझा या वे थाव में विझा 5 लीटर 5 लीटर ही हूँ ठीक है वह घट भा न छो तो उनकी वॉल्यूम शायद फिक्स है डेफिनेट वॉल्यूम है बाकी शेप डेफिनेट न तो जड़े थाव में विझा उन थाव की शेप अख्तियार कह ओके गैस जन हों स्केटर्ड हों गैसेज में एटम्स हों स्केटर मीन्स पखड़ियल परे परे एक बे का परे परे पखड़ियल हों गैसेज के जो है शेप भी न होंगी है ओके इनकी डेफिनेट जो डेफिनेट वॉल्यूम है वो भी इन में न हों ठीक इन स्केटर एटम हों प्लस में इनके शेप होंगी है डेफिनेट न वॉल्यूम तो हाँ तुम इनके याद कर वो तो सॉलिड में प्रॉपर या डेफिनेट शेप वॉल्यूम बई हों लिक्विड में डेफिनेट जो वॉल्यूम तो हों पर शेप डेफिनेट उनकी न होंगी है गैसेज में बई न हों में बई हों में बई न हों विची कंडीशन है उनमें वॉल्यूम डेफिनेट हों जैसे तो शेप उनकी डेफिनेट न होंगी है ठीक है मिसाल तौर जैसे गैस है न उन जैसे अस किलो है तो वो खोलींदा तो वो असे कमरे में फैल जी वो या अस परफ्यूम हणंदा थोड़ा हणंदा परफ्यूम हणंदा तो वो असने परफ्यूम बे दफा खोलियो उनके एयर में जो भी कमरों हों सजे में फैल वॉल्यूम मान सजे कमरे में अची जैसे अस मा गैस हाँ इलाही गैस है उनके जैसे वॉल्यूम घट कर चाहूँ तो अस उन घट कर मीन्स की उनके नंढे कंटेनर में विझा ठीक है मिसाल तौर उनमें वह उनके छो तो उनको डेफिनेट शेप ना पर डेफिनेट दिसूँ तो सफा बिल्कुल न था प्लस चुंता तो वॉल्यूम ना तो मकसद उनके अस जै भी क्यों उनके वॉल्यूम घटा या वायूँ तो वो अस कर थ्रू प्रेशर डेई शादी थ्रू प्रेशर डेई प्रेशर के थ्रू ठीक है जैसे असर उनके प्रेशर वाइंदा तो उन वॉल्यूम डिक्रीज ठीक है जैसे प्रेशर घटाइंदा तो वॉल्यूम वी तो उनके अस चाहता तो इनको फिक्स या कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम या डेफिनेट शेप गैसेज के ना ठीक तो हाँ अचो वॉल्यूम हर हर अस वर्ड का ऐल्यूम वॉल्यूम 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 तो ये वॉल्यूम स्पेस है कई भी जगह है कई भी जगह 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 एनी थिंग ऑक्यूपाइज कई भी शा जगह वाल है वह उनको वॉल्यूम है मिसाल तौर अस वॉल्यूम जो है जगह असके लेंथ इंट विथ इंट हाइट तो जैसे अस वॉल्यूम कह
कैंबिस चेजो तो उन के शा कना मल्टीपल कना उन जी लेंथ उन जी वेट तई उन जी हाइट ते मिसाल तौर अस जकन इन जो वॉल्यूम दा अस जको डस्टर आ इन जो वॉल्यूम करन दा चायो त पहिरे अस दिसो इन जी जका लेंथ कणी आए मिसाल तौर अस इन जी चाचो 5 सेंटीमीटर लेंथ आए ठीक आ इन जी वेट कणी आए मिसाल तौर चो इन जी घणी वेट आए 3 ठीक आ ए वेट द ओके इन जी हाइट कणी आए हाइट असा चौंदा 4 आए हाणे के पाण में छा कंदासीं मल्टीप्लाई कंदासीं त वॉल्यूम निकिरी वेंदो 5 × 15 ऐं 4 × 15 60 ऐं इहो हूंदो cm क्यूब ठीकु छो त हिन जो बि सेंटीमीटर असां हिन जी जेका यूनिट खयों ते मेजरमेंट जो उहो छा खयों ते सेंटीमीटर त ही सेंटीमीटर घणा थी विया 3 cm क्यूब तो कें भी शे जो वॉल्यूम लाने लाइ असां छा कंदा उन जी लेंथ वेट ऐं हाइट जेका आहे उन खे असां मल्टीप्लाई कंदासीं उन जो वॉल्यूम लभी ईंदो ऐं वॉल्यूम छा हूंदो आहे या स्पेस हूंदी आहे जेका उहा शइ वालारे काई बि शइ हुजे जेका बि जॻह वालारे उन खे असां उन जो वॉल्यूम चवंदासीं ओके पोइ हाणे अचूं वरी इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ठीक है तो टे कंडीशन अस पढ़ियो ते मेटर जो हाँ जो टेम्परेचर या हीट है उन इफेक्ट उन अलग अलग पवंदा मिसाल तौर जो अस कोई भी लिक्विड है मिसाल एग्जाम्पल अस वाटर तो जैसे भी अस इन टेम्परेचर घटाइंदा मीन्स इनके छाँदे कूल कंदासीं हिन कोल्ड में रखंदासीं त हिन जो टेम्परेचर घटि पियो ऐं वाटर छा में कन्वर्ट थी वेंदो पियो सॉलिड मींस के बर्फ में चेंज थी वेंदो उहा छा आहे सॉलिड आहे न ऐं सॉलिड पाणीअ जो जेकॾहिं किलो हारींदासीं मथां धकु लॻंदो बर्फ खणी हण बि टिकण में त ख़बर पवंदी न त सॉलिड आहे पोइ सॉलिड आहे वरी जेकॾहिं असां ही साॻी आइस आहे हिन जो टेम्परेचर छा कंदासीं इनक्रीज़ कंदासीं जीअं ई हुन जो टेम्परेचर इनक्रीज़ कंदा आहियूं त वरी इहा साॻी छा में हली वेंदी लिक्विड ठीकु आहे ईअं सेम आहे त जेकॾहिं असां लिक्विड ते हिनखे वरी अञा इलाही टेम्परेचर इनक्रीज़ कंदासीं हिन जो लिक्विड जो टेम्परेचर जेकॾहिं असां इनक्रीज़ कयूं त इहा छा थींदी वेपर्स या गैस फॉर्म में तो वेपर में वेपर जो है वो शायद लिक्विड कई भी लिक्विड जो गैसियस फॉर्म है उनके साथ क्या करना है वेपर तो या वेपर या गैसेस में चेंज थी और जेकर सागो या सा गैस के कोल्ड टेम्परेचर दिना तो वरी या शाम में चेंज थी लिक्विड में ठीक है तो हाँ इनमें असा प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व थी तो जैसे अस टेम्परेचर इनक्रीज पा क्यों जो वेपर में चेंज थी सो कई भी लिक्विड जैसे टेम्परेचर इनक्रीज क्यों वेपर्स में एटमॉस्फेयर में शामिल थी इन प्रोसेस में असा घुरीदा एवापोरेशन ठीक है ये है एवापोरेशन जैसे थे कई भी जेका लिक्विड आहे उहा चेंज छा में थिए वेपर में या गैस में चेंज थिए त उनखे असां छा कोठींदा आहियूं एवापोरेशन ठीकु आहे वरी जेकॾहिं काई गैस जॾहिं असां उनखे कोल्ड ॾियूं त उहा चेंज थिए छा में लिक्विड में त इन प्रोसेस खे असां छा कोठींदा आहियूं हीउ जेको प्रोसेस थींदो त जॾहिं गैस लिक्विड में हली ईंदी त इनखे असां कोठींदासीं कंडेंसेशन ठीक है ये शायद प्रोसेस है कंडेंसेशन प्रोसेस और जड़े लिक्विड जो है गैस में चेंज थे तो एवापोरेशन पर जो सागी गैस कोल्ड उनके दूँ थदो टेम्परेचर दूँ तो वह लिक्विड में चेंज थे तो उनके छा कोड़ींदा ठीक है तो इन जो इफेक्ट जाहिर है छा ते तो थे जो स्टेट ऑफ मैटर है उनमें हीट जो इफेक्ट थे तो ठीक है पर वो छा जे करे तो थे तो हीट देने से उनके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी छा थींदी आहे इनक्रीज थींदी आहे ठीक आहे इनक्रीज थींदी आहे तो जेकॾहिं सॉलिड जा मॉलिक्यूल्स पाण में पैक लॻा पिया आहिनि
हाँ उन्होंने जी ही काइनेटिक एनर्जी वी तो उन्होंने हरकत भी शादी वी तो मालिक्यूल शादी एक बे का टुटी परे हलन शुरू कर एक बे का टुटन आईना तो वो लिक्विड सॉलिड शाम में चेंज थी लिक्विड में पर जे ही असं उनके वही टेम्परेचर जो घटाए दींदा तो उनके कोल्ड दींदे तो उनके मालिक्यूल्स उन्होंने काइनेटिक एनर्जी है वह घटी वी उ पा में शादा एक बजे वेझो थींदा और क्लोजली पैक थींदा तो वो पाने हठ वही सागो शाम में चेंज थी सॉलिड में ठीक है तो सागी लिक्विड वही साल्ट में हली ठीक है जी असि आयरन तो इनमें असा करेंगे इलाही हाई टेम्परेचर दींदा तो बिल्कुल पानी ही है तो इनके डिफरेंट जो सांचा इंटीरियर गार्डर्स वगैरह उन्होंने फिल कर वो उन टेम्परेचर घटाइंदा तो वही सागी लिक्विड दींदा वो वह सॉलिड तो ये असा डिफरेंट जी भी लोह जो शूँ ठही इंदी तो हाँ ये हीट जो इफेक्ट्स उनखे असो इन में बी टॉपिक है नेक्स्ट है इन में पॉइंट वो है असि मिक्सचर तो मिक्सचर हों मिलावट हूँ किन पे या बिन का सबस्टेंस उनकी ठीक है तो हाँ स्टेट ऑफ मैटर अस पढ़ू थे टे होंद तो हाँ इन में अस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स के पा में मिले कर डिफरेंट मिक्सचर ठाए सकूँ था जो मिसाल तौर अस चूँ सॉलिड सॉलिड जो मिक्सचर इन जो एग्जांपल है अस आयरन है इन में अस तो आयरन उन में गड मिला कार्बन ठीक है तो वो उन आयरन में स्टील सॉरी स्टील ठीक है स्टील क्या तो अस आयरन भी सॉलिड है ठीक है उन में मिला कार्बन जो कोयलो है यो सॉलिड है जैसे उन में मिला तो है स्टील तो ये असो सॉलिड सॉलिड जो एग्जांपल है ओके सॉलिड गैस ठीक है इन में अस आयरन ऑक्साइड है FeO2 तो लोह के जैसे ऑक्सीज जंग लगन है जो ठीक है इन में लोह के ऑक्सीजन जो है रिएक्शन उनके गारण शुरू करनी है तो यो है ठीक है उनका हाँ गैस गैस जो मिक्सचर करो है एयर है जी जाहिर एयर में सब जो सब शायद गैसेज हाइड्रोजन भी इन में नाइट्रोजन भी है इन में कार्बन डाइऑक्साइड भी है ऑक्सीजन भी है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज आर्गन ठीक है उनसा गड वरी अस बो मिक्सचर भी ठा सकूँ था तो अस लिक्विड गैस हाँ लिक्विड गैस जो मिसाल कड़ो है जी मिसाल तौर कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स ठीक है कोल्ड ड्रिंक्स इन में हों कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलल होंगी जो कोका कोला है या पेप्सी है ठीक है लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला तो वो एक मिक्सचर ठही है जो अस माना फायद बख्श हूँ या वो अस इन में बो जो लिक्विड सॉलिड जो भी थी सके तो लिक्विड सॉलिड जो एग्जांपल मिसाल तौर क्या है जो अस वाटर शुगर वाटर शुगर तो जो वाटर में शुगर मिला तो उनमें सॉलिड है शुगर घर की तो मिक्सचर है तो डिफरेंट जो भी कंडीशन स्टेट्स मेटर इन मिला कर डिफरेंट टाइप जहाँ मिक्सचर ठाए सकूँ था ठीक है तो सॉफ्ट ड्रिंक है एयर है या सी जो वाटर है ये भी मिक्सचर है छो तो जो सी वाटर इन एग्जांपल है ये जो डिफरेंट मिक्सचर्स इन एग्जांपल है ये ठीक है तो सी वाटर में भी हों वाटर हों में डिफरेंट टाइप जो आयन्स इलाही मिलल हूँ साल्ट्स वगैरह लूण ठीक है डिफरेंट टाइप जो शूँ तो ये अस मिक्सचर जो एग्जांपल है उनका हाँ इन में आए लास्ट जो है टॉपिक है इन में जो असि वो है फिल्ट्रेशन डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन ठीक है बी है असि ठीक है अच्छा फिल्ट्रेशन से अच्छा तो ये शे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर फिल्ट्रेशन क्या होंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इन में जो यूज थी वो यूज थी फिल्टर पेपर ठीक तो हाँ जो कोई
काठ जो बूरो या कुछ अड़े टाइप की आए कई सॉलिड वाटर में मौजूद आज तो फिल्टर पेपर रखी उनमें या वारी आए उनमें पानी के लाइंदे तो लिक्विड जो हेठल ही मिक्सचर मिलावट है वह मथे फिल्टर पेपर से रहती वी ठीक है। तो फिल्ट्रेशन है सिंपली प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो इनमें यूज क्यों फिल्टर पेपर इनमें अस मिक्सचर के अलग क्या ठीक है उनमें जी शौजूद है उनके क्या अलग क्या उनका बो है डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन ये बई जाहिर तकरीबन ये जो तरीका थन्दा फिल्ट्रेशन या डिकेंटेशन ये अस खास कर लिक्विड है उन्होंने उन्होंने सॉलिड के अलग कर यूज क्या ठीक है। ये बई प्रोसेस जो ये जो लिक्विड और सॉलिड जो मिक्सचर उन्होंने अलग कर यूज क्या ये डिकेंटेशन में अस क्या मिसाल तौर वाटर के अस वाटर है उनमें जी मिट्टी या कुछ है तो उनके अस काफ़ी टाइम लाइन उनके छड़े दींदा ठीक है उनमें माना उनके बीहारे छींदा जी ही उनके बीहारे छींदा तो उनमें तो वाटर में जो मिट्टी या कुछ गंद आए उ तरे में वेहद मसा जो है तो साफ पानी बचन जो अस बेको कंटेनर है उनमें रखी कर इन नमूने अगर करे अलग कर सकते इनका जो सॉलिड वा इम्प्योरिटीज या मिक्सचर उनमें मौजूद है ठीक है। तो हाँ ये असप्टर में पॉइंट्स हुई इन्हें कोई क्वेश्चन आए तो पूछिए।